हमारी रहीम व्यूअर्स, आज मैं तिल के प्लाट में मौजूद हूं और तिल के यानी के फूल के बाद कैप्सूल बनने के मरहले में कौन से ऐसे मसाइल हैं जो तिल की पैदावार में बहुत ज़्यादा कमी का मौजब बनते हैं। इब्तदाई मरहले में तो पत्ता लपेट सुंडी अटैक करेगी और आप क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल जैसे सिंजेंटा का वॉल्यूम फ्लेक्सी है या एमामेक्टन कंपनियों के पास मौजूद है, इसका इस्तेमाल करके आप इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो लीफ होल्डर है जिसकी मैंने बात की आपको कि ये पत्ता लपेट सुंडी आपको या जिसे हम कैप्सूल बोरर भी कहते हैं, ये इब्तदाई मरहले में अटैक करेगा लेकिन ये बाद में भी अटैक कर सकता है। जैसे अभी मैंने देखा इस वीडियो के अंदर कि एक पौधे के ऊपर ये कैप्सूल बोरर मौजूद है, और अगर कैप्सूल बोरर मौजूद हो तो आपने कैप्सूल बोरर में आपको बता दूं ये क्या करेगा, इब्तदाई मरहले में पौधों के पत्तों पर हमला करेगा, कंट्रोल खुदा ना खास्ता लेट हुआ तो पौधे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन फूल और फल बनने के मरहले में ये कैप्सूल बोरर क्या करता है, ये सुंडी क्या करती है, तो ये क्या करेगी, ये कैप्सूल के अंदर सुराख करेगी, ना सिर्फ कैप्सूल के अंदर सुराख करेगी बल्कि इस मेन तने के अंदर सुराख करेगी और इसकी ऊपर वाला जो स्टेम है ये मुकम्मल तौर पर टूट के नीचे गिर जाएगा। अक्सर अगर आप दोस्तों को खेत के अंदर ऐसे शाखें मुरझाई हुई ऊपर से टूटी हुई नज़र आ रही हैं कहीं कहीं, तो ये समझ लें कि उस खेत के अंदर ये कैप्सूल बोरर का हमला मौजूद है। तो व्यूअर्स, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर रस चूसने वाले कीड़े हैं तो आपने जैसे मैंने आपको तरतीब बताई, पोलोट्रीन सी प्लस नाकआउट 10 दिन के वक्फे से 2 स्प्रे पहले इसके कर लें, उसके बाद आप सॉल्विगो प्लस नाकआउट के 10 दिन के वक्फे से 2 स्प्रे इसके कर लें। लेकिन अगर कैप्सूल बोरर का हमला इस तरह मौजूद हो तो आपने कैप्सूल बोरर के लिए साथ में इजाफी वॉल्यूम फ्लेक्सी जिसके अंदर CTPR क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल जहर है उसको शामिल करना है, या विटाको WG क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल प्लस थायमेथॉक्सम को शामिल करना है ताकि ये कैप्सूल बोरर भी साथ में ख़त्म हो जाए। लेकिन रूटीन में ये देखा गया है कि ये कैप्सूल बोरर का एक ही स्प्रे करवाने से आप वॉल्यूम फ्लेक्सी करवाने से आप इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर मैं इस वीडियो को थोड़ा सा जूम करूँ तो आप ये देखें कि ये कैप्सूल बोरर जो है ये इस कैप्सूल के अंदर सुराख कर रहा है, इसीलिए इसे कैप्सूल बोरर कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोस्तों ने इसकी तरतीब को फॉलो करना है और अच्छी पैदावार लेनी है। व्यूअर्स, अगर आप दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो इसी तरह मिलती रहे और आप काश्तकार दोस्तों की पैदावार में इसी तरह इजाफा होता रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।